जुलाई 2019 में सुरतगढ़िया चौक पर बरसात से हुए जल भराव के कारण वहां से निकल रहे दो बाइक सवार छात्रों का बिजली के पोल के हाथ लगने से करंट लगने की घटना की वजह से एक छात्र की मृत्यु हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना की सूचना पाकर विदेश भ्रमण पर गए शहर के एक समाज सेवी को ठेस लगी और वह अपना भ्रमण बीच में छोड़कर यह संकल्प लेकर आया कि वह अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल भराव से मुक्ति दिलाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे और किसी का लाडला बेमौत ना मरे। लेकिन देखिए जिला प्रशासन की विडंबना, समाज सेवी के इस नेक कार्य में बाधा डालने के लिए 9 ऐसी शर्तें लगा दी जिन्हें पूर्ण करना संभव नहीं है। इन शर्तों को देखते हुए न सिर्फ समाज सेवी को जिला प्रशासन ने एक महान कार्य करने से रोक दिया बल्कि ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कोई पुण्य कार्य ना कर सके। जिला प्रशासन द्वारा कौन सी 9 शर्तें लगाई गई, सुनिए समाज सेवी अमीर चावला के मुख से। वहीं इस मामले को लेकर जब जेजी न्यूज की टीम ने जिला उपायुक्त अशोक गर्ग से बात की तो उन्होंने क्या कहा यह भी देखिए। मैं उसके लिए डीसी साहब से मिला, उनके जो उस एरिया में लोग रहते हैं उनसे 3-4 बार मीटिंग करी। लगभग 2 महीने मैंने उनके पीछे घूमने के बाद मेरे को परमिशन दी गई भी आप बना लो, लेकिन उसमें 9 कंडीशन ऐसी लगा दी गई कि मैं वो काम कर नहीं पाऊंगा। 9 कंडीशन मेरे पे लगाई हैं जिसमें भी आपको काम शुरू करोगे तो आपको इसकी देखभाल भी आपने करनी, भविष्य की भी देखभाल करनी, उस पर आप जब खुदाई करोगे बोरवेल बनाओगे जिसके लिए री हार्वेस्टिंग होगा, उसके जो मलबा निकलेगा वो भी आप सड़क पे नहीं डाल पाओगे। 9 ऐसी कंडीशनें लगा दी कि मेरे को उन्होंने डिसकरेज कर दिया। प्रशासन ने 9 कंडीशनें लगाई हैं, किसी भी प्रकार के उन्होंने कहा भी हम कोई भी मदद नहीं करेंगे, फ्यूचर में भी आपने सब इसको देखना है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है वो आपकी जिम्मेवारी होगी। मेरे संज्ञान में नहीं है, चावला जी मेरे पास आए थे और बड़ी खुशी की बात है कि शहर का कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम उठाता है। मेरे विचार से उनको बिल्कुल परमिशन दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद मेरे नोटिस में नहीं आया कि क्या शर्तें लगाई गई। यदि उनको उन शर्तों पे कोई इतराज़ है तो कभी भी मुझे आके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं।